हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम लगातार एक के बाद एक आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में यूनिट वाइज का वीडियो बनाकर दे रहे हैं, जिससे हमारे ला के स्टूडेंट विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो, जैसा कि मुझे भी हुआ था। तो आज हम जानने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन डेवलप कैसे किया जाता है, एक अप्रोच सर्विस में कैसे कम्युनिकेशन बनाया जाता है। जो लोग नए हो वह सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अप्रोच टू डेवलपमेंट बेटर कम्युनिकेशन स्किल सर्विस ओरिएंटेशन कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो पहले हम बात करेंगे सर्विस ओरिएंटेशन में। सर्विस में एक एम्प्लॉई इंटरनल और एक्सटर्नल में कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करता है। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल एम्प्लॉई कम्युनिकेशन। फर्स्ट है यूज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्लिक सोशल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि एक एम्प्लॉई वह क्या करता है, एक प्रोजेक्ट यूज करके वह मैनेजमेंट कर लेता है एक समाज में। वह प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट एन ऑनलाइन फॉर्म वेयर एम्प्लॉई कैन ईजली शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड। वह एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर वह एक दूसरे से शेयर करता है और ईजली से वह सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद रेगुलर फीडबैक। अगर वह ऑनर है तो वह अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें रेगुलर फीडबैक लेकर उसे कम्युनिकेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वह एक वीडियो बनाकर या वीडियो दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसे ऑनलाइन इस समय टीचिंग चल रहा है, स्टडी चल रहा है सब लोगों को, उसी तरह कम्युनिकेट किया जाता है कि हमारे शिक्षक और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। फिफ्थ पॉइंट है पिक अप द फोन। फोन के माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि दूर दराज जो व्यक्ति रहते हैं फोन के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन बना रहता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यानी कस्टमर का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेक इट इजी फॉर कस्टमर्स टू कम्युनिकेट विथ यू। वो भी इजीली से कस्टमर को कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके साथ। कीप कस्टमर इन्फॉर्म विथ टेक्स्ट मैसेज। वह टेक्स्ट मैसेज SMS के माध्यम से वह कम्युनिकेट क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली वैल्युएबल इन बोथ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ व्हेन स्पीकिंग क्लियरली कॉन्फिडेंस। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल वो कम्युनिकेशन स्किल होता है जो हम बोलते हैं वो एक कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए और वो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर डिपेंड करता है, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब अमूल्य वस्तु होना चाहिए, और जो हम बोले वो क्लियरली वह साफ रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए। इसमें भी पॉइंट हमने बनाया है। फर्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर योर स्पीक बी क्लियरली एंड कनाइज स्पीक विथ कॉन्फिडेंस वेरी योर वोकल टोन बी एन एक्टिव लिसनर। अर्थात जो हम बोलें वह सोच समझकर बोलें और जो हम बोलें वह साफ बोलें जिससे दूसरे को भी सुनाई दे, और जो हम बोलें वह कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि हाँ ये हमारी बात सत्य है और जो मेरी वॉइस है वो एक बहुत ही सुरीली आवाज़ रहनी चाहिए जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे, वो सुनने के लिए बेताब जैसा हो। और
फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि अगर हम बोलते हैं तो अगला व्यक्ति सुनने वाला एक्टिव हो, न कि आप बोल रहे हैं वो भी मोबाइल में व्यस्त हो या अन्य कामों में व्यस्त हो, उसका ध्यान नहीं है आपके ऊपर। तो आप इतना अच्छा बोलिए, कम्युनिकेशन बनाइए जिससे कि वो आपकी बातों को ध्यान रखे। अब बात हम करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज, मतलब इसे बॉडी लैंग्वेज भी है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्किल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कैन प्ले 5 रोल, मतलब 5 रोल्स हैं। पहला है रिपीटेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, सब्स्टिट्यूशन, कम्प्लीमेंटिंग, एसेंटिंग। ये सब 5 रोल हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अब बात हम करने वाले हैं टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड, मतलब इसमें बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड है और नॉन वर्बल के दोनों लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हैं। एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, गेस्चर्स, आइज कॉन्टैक्ट, टच, स्पेस, वॉइस। अगर ये इतने पॉइंट आपके अंदर हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, टेस्ट करता है। अब हम बात करने वाले हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। इसमें हमने बहुत पॉइंट बनाया है ग्राफ के माध्यम से। फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर्स, इसमें जो कॉजेज हैं, कॉजेज मतलब कि मतलब इसमें रुकावट क्या क्या पैदा करते हैं, उसमें टाइम रुकावट पैदा करता है, प्लेस, स्पेस, क्लाइंट, नॉइज एंड चॉइस ऑफ मीडियम। ये सब अगर आपका ठीक अच्छा चॉइस रहेगा, अच्छा मतलब क्रिएट हो जाएगा, तो आप फिजिकली एनवायरमेंटल बैरियर्स कम्युनिकेशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, बैरियर्स कॉज्ड बाई चॉइस ऑफ मीडियम। आप जो चॉइस करेंगे वो एक मीडियम में होगा, तभी जाके कम्युनिकेशन क्रिएट होगा बैरियर्स में। सिमेंटिक बैरियर्स कॉज्ड बाई वैरिड क्वांटिटेटिव मीनिंग। अब बात करें कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स कॉज्ड बाई डिविनिटी ऑफ कल्चर लेस। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल एटीट्यूडिनल बैरियर कॉजेज वाई मूड्स एटीट्यूड्स रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी होता है। बैरियर्स कॉज्ड बाई वेयरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी कॉजेज बाई लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमारा टॉपिक था अप्रोच टू डेवलपमेंट बेटर कम्युनिकेशन स्किल, सर्विस ओरिएंटेशन, कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर कोई भी इसमें टॉपिक से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवालों को हम तक भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।